अस्सलाम वालेकुम नासिन, मेरा नाम जिशान रजा है और आपका टेलीग्राम चैनल देखने के वक्त का आगाज है। इलेक्शन की ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट जो है वो इंशाल्लाह जंग के तीन कौमी और सात सूबाई असेंबली के हल्कों के हवाले से मैं आपको दूंगा। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोलिंग का जंग में आगाज हो चुका है और 17,53,999 वोटर्स अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे जंग में, जिनमें खवातीन वोटर्स भी शामिल है। और अगर हम हल्का एन 109 की बात करें तो हल्का एन 109 तीन कौमी असेंबली के हल्के है ना, हल्का एन 108 और हल्का एन 110 तीन कौमी असेंबली के हल्के जहां पर जो है वो पोलिंग का आगाज हो चुका है जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और हल्का अगर बात करें हम यहां पर सूबाई असेंबली के हल्कों की तो 7 सूबाई असेंबली के हल्के हैं वहां पर भी पोलिंग का आगाज हो चुका है। और यहाँ जो गहमा गहमी काफी ज्यादा है और 100 मीटर क्योंकि शहरी इलाकों में जो है वो फासला रखा गया है पोलिंग स्टेशन से जो कैंप्स कायम किए गए हैं मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से। तो यहाँ पे बात करें कि यहाँ जंग में आज बड़ा दंगल सज चुका है, बड़ा इंतखाबी दंगल। और बड़े इंतखाबी दंगल में यहाँ पर सूरत हाल एन 109 की कुछ यह है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नूर के उम्मीदवार है शेख मोहम्मद याकूब, जमात इस्लामी के है डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और यहाँ पर शेख वकास अकरम है जो कि आजाद उम्मीदवार है और मौलाना अहमद लुधानी जो कि राय हक पार्टी के उम्मीदवार हैं और अहले सुन्नत वल जमात के सरबरा है। और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के है हैदर बुखारी। तो ये है इनके दरमियान मुकाबला, कांटेदार मुकाबला जो इसके तवक्को की जा रही है क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है। लेकिन मैंने ये देखा है कि यहाँ पर इस दफा टर्नआउट 50% तक रहने का इम्कान है। कतारें लगती जा रही है, लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में, वोट अपना जो है वो पोल कर रहे हैं, हके राय नहीं जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बात करूं अगर एन 108 की तो एन 108 में महबूब फैसल साले है जो कि मुस्लिम लीग नूर के उम्मीदवार है, उनका मुकाबला है महबूब जो है वो सुल्तान के साथ, महबूब सुल्तान जो है आजाद उम्मीदवार है। और एन 110 में मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया है जो कि मुस्लिम लीग नूर के उम्मीदवार है और उनका मुकाबला है अमीर सुल्तान जो कि आजाद उम्मीदवार है। कौमी असेंबली के तीन हल्कों में जो है वो सियासी जो जंग है वो छिड़ पड़ी है और इन आपसे कौन मुंतखब होगा आज अवाम की अदालत में फैसला होगा, अवाम की अदालत में फैसला होने जा रहा है। अवाम क्या किया, किसे मुंतखब करेगी, किसे कौमी असेंबली में भेजेगी। बात करेंगे यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की तादाद की तो जंग में 1337 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं और जो प्रेजाइडिंग और प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स की तादाद की अगर आप बात करें तो 13,380 अमला है जो कि अपनी इंतजामी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पहले दर्जे में पुलिस है, दूसरे दर्जे में पैरा मिलिट्री फोर्सेज है, तीसरे दर्जे में जो है वो पाकिस्तान आर्मी है जो कि क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर जो है वो जंग में मौजूद है। कंट्रोल रूम कायम किया गया है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर, यहाँ पर जो है वो तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सूबाई असेंबली के हल्कों की तो सूबाई असेंबली के हल्कों में भी जो है वो यहाँ पर पीपी 125, पीपी 126, 27, 28, 29, 30 और 31 ये सूबाई असेंबली के हल्के हैं और जहाँ पे यहाँ आज दंगल है, इंतजामी दंगल के अंदर। यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर हम बात करें पीपी 125 की तो यहाँ पर राय तैमूर भट्टी, मधु फैसल सारे हयात और यहाँ पर गुलाम अहमद काडी, इनका है मुकाबला। पीपी 126 की बात करेंगे तो 26 में यहाँ पर जमात इस्लामी के है मेहर बहादुर जगर और यहाँ पे बात करें मुस्लिम लीग नूर के है मेहर असलम परवाना और मेहर असलम परवाना के जो बंदे मुकाबले है वो है नवाज परवाना जो कि आजाद उम्मीदवार है। पीपी 127 में बड़ा सा मुकाबला है, यहाँ पर मौलाना मसरूर नवाज जंगी है, बस मौलाना मसरूर नवाज के साथ यहाँ पे जो उनके मध्य मुकाबले है वो है मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार है राशा याकूब शेख, राशा याकूब शेख के साथ यहाँ पे है शेख मोहम्मद अकरम जो आजाद उम्मीदवार है और यहाँ पे मौलाना अहमद लुधानी भी इसी हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मुकाबला है यहाँ पे आगे बात करेंगे, आगे चलेंगे और आगे आपको बताएंगे। पीपी 128 महबूब सरकारा नू लीग के है और इनका मुकाबला है मुजफ्फर कुरैशी से, मुजफ्फर कुरैशी जो है
वो आजाद उम्मीदवार है और पीपी 129 में खालिद गनी और उनका मुकाबला है और सिर्फ काठिया है आजाद उम्मीदवार, खालिद गनी मुस्लिम लीग नूर के उम्मीदवार है। और आगे चलते हैं आपको बताते हैं पीपी 130 अमीर अब्बास सियाल बामुकाबला, इनका मुकाबला जो है आपको राणा शहबाज से, अमीर अब्बास सियाल मुस्लिम लीग नूर के उम्मीदवार है और राणा शहबाज आजाद उम्मीदवार है। तो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं पीपी 131 शहर का ये हल्का जिससे अब से कुछ अरसा पहले यहाँ पे जिमनी इंतखाबात हुए थे और यहाँ जिमनी इंतखाबात में यहाँ से आजम चेला मुंतखब हुए थे जो कि अब हजार हैसियत इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर अब सैसल अयाज चबुवाना जो कि मुस्लिम लीग नून के नाम से उम्मीदवार है और वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। ये इलेक्शन की ताजा तरीन अपडेट है, पुरअमन तरीके से इलेक्शन की सूरत हाल चल रही है और यहाँ पे पोलिंग के लिए मैंने इस दफा देखा कि ना सिर्फ आम वोटर बल्कि खसूसी अफराद भी जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख करें और कौमी फरीदा जो है वो अदा करें, अपना वोट जो है वो उसका हक है उसको इस्तेमाल करें। अब में भी पुरअमन रहना है, मिलकर रहना है उसका पाकिस्तानी और अपना कौमी फरीदा जो है वो लाजमी अदा करना है, अपना वोट जो है वो लाजमी काज करना है। तो इंशाल्लाह इलेक्शन की ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके साथ इसी तरह शेयर करते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।